इंडियन नेशनल लोकदल आगामी बजट सत्र के दौरान पेट्रोल पर बढ़ाए गए वैट, नए लगाए जा रहे दो टोल और भूमि अधिग्रहण कानून का मुद्दा उठाएगी। कल चंडीगढ़ में हुई इनेलो विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि पार्टी 5 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र को लेकर विधानसभा स्पीकर को पत्र लिखकर सत्र 4 मार्च या 9 मार्च से शुरू करवाने का अनुरोध करेगी। हरियाणा के बजट सत्र के दौरान इनेलो प्रदेश की खट्टर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। इस सिलसिले में गुरुवार को चंडीगढ़ में इनेलो विधायक दल की बैठक हुई। बैठक के बाद इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि सरकार द्वारा दो बार पेट्रोल पर बढ़ाया गया वैट लोगों पर अतिरिक्त भार है। साथ ही चौटाला ने हाल ही में लाए गए भूमि अधिग्रहण कानून को किसान विरोधी बताया। चौटाला ने कहा है कि पार्टी इन मुद्दों को सदन में जोर शोर से उठाएगी और मौजूदा सरकार के जो फैसले हैं उनका भी डट करके विधानसभा में विरोध करेंगे और पूछेंगे कि आपने इस तरह के फैसले क्यों लिए। जैसे इन्होंने डीजल के दाम, डीजल और पेट्रोल के लिए वैट लागू किया, 2.5 रुपये बढ़ गया। हम इनसे पूछेंगे कि ये 2.5 रुपये क्यों बढ़ाए गए, इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है, कौन सा संकट सरकार के ऊपर ऐसा आकर के खड़ा हो गया था कि इनको एकदम से वैट बढ़ाना पड़ा। जहाँ 90,000 करोड़ के बजट की बात करते हो, आप एक तरफ तो कहते हो कि हमारी सरकार के पास 90,000 करोड़ रुपया खर्च करने के लिए, और दूसरी तरफ इस तरह के फैसले लेते हो। हमारी पार्टी ने सबसे पहले इस बात का विरोध किया था कि ये जो नया कानून बनाया गया है भूमि अधिग्रहण का, इसमें तो ये जो अध्यादेश लाया गया है इसमें तो सीधे तौर पे किसान को बेदखल करने के लिए किसी किस्म की कोई रुकावट ना आए एक ऐसा अध्यादेश लिया है जिससे किसान कोर्ट में भी नहीं जा सकता और मन मर्जी के रेट देकर के उसको उसकी ज़मीन से बेदखल कर। हमने कहा कि हम इस कानून के खिलाफ पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठाएंगे और हम विधानसभा में भी इस इशू को लेकर के। वहीं विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद इनेलो ने प्रदेश में नई कार्यकारिणी के गठन का फैसला दिया है। इनेलो ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी 5वीं बार अशोक अरोड़ा को सौंपी है। इसके साथ ही अजय चौटाला को फिर से पार्टी का प्रधान महासचिव नियुक्त किया गया है। नहीं, हमारे जिला अध्यक्ष पहले भी जिम्मेवारी जो थी जिले अध्यक्ष की थी, साथ में हमने शहरी अध्यक्ष बनाए थे, आगे जैसे जैसे जरूर समझेंगे। अभी हमने जिला अध्यक्षों की 50% से ऊपर नए बनाए गए, नए साथियों को जिम्मेवारी दी और जितने MLA और MP हैं वो हमारे स्टेट कार्यकारिणी के मेंबर रहे। हरियाणा का बजट सत्र 5 मार्च से शुरू हो रहा है और इनेलो बजट सत्र की तारीख में बदलाव चाह रहे हैं। इनेलो ने फैसला दिया है कि वो विधानसभा स्पीकर को पत्र लिखकर सत्र को 4 मार्च या 9 मार्च से शुरू करवाने का अनुरोध करेगी। इनेलो ने तारीखों को लेकर प्रदेश सरकार पर चुटकी भी की है। अभय चौटाला ने निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार हिंदुत्व की बात करती है पर त्योहारों की जानकारी नहीं है। कैमरामैन गिरीश दुर्गापाल और मनोज राठी के लिए हलीम कौर, 10 न्यूज़ चंडीगढ़। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।